स्वाद से शहरों का पुराना नाता होता है। हर शहर का अपना कुछ न कुछ अलग खान पान जरूर होता है। जिस तरह से हर 100 किलोमीटर के दायरे में बोली बदलने लगती है, ठीक उसी तरह जायके में भी कई परिवर्तन होने लगते हैं। लेकिन समय के साथ दूर दराज से लोग अन्य शहरों में पलायन कर अपने यहाँ के स्वाद को दूसरे शहरों में फैला रहे हैं और अपने शहर के स्वाद का दीवाना दूसरे शहर के लोगों को भी बना रहे हैं। एक ऐसे ही व्यक्ति हैं रीवा में बनारसी चाट का ठेला लगाने वाले बनारसी नाम से मशहूर सीताराम सोनी, जिन्हें 30 साल बनारस से रीवा आए हुए हो चुका है। रीवा में उनकी ससुराल है। उन्होंने बनारस के अंदाज में चाट बनाने की शुरुआत रीवा में की थी। यह शुरुआत उन्होंने मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने चुंगी नाका सिविल लाइन में शुरू की थी। सीताराम सोनी का कहना है कि जब उन्होंने चाट की दुकान खोली थी, तब वह लोगों को महज 2 रुपए में चाट खिलाना शुरू किए थे। आज वह लोगों को 25 रुपए में चाट खिला रहे हैं। यहाँ मिलने वाले चाट का टेस्ट बिल्कुल अलग और अनोखा है। आलू टिक्की की चाट यहाँ बेहद मशहूर है। दूर दूर से लोग इसे इस स्वाद को चखने के लिए आते हैं। खास बात यह है कि सीताराम अपने चाट में शुद्ध देसी घी डालते हैं और साफ सफाई का बेहद ख्याल भी रखते हैं। यही वजह है कि चाट में देसी घी की सुगंध आती है और यह फ्लेवर लोगों को काफी पसंद भी आ रही है। सीताराम के ठेले में किसी भी वक्त चाट का लुफ्त उठाते हुए 50 से 100 लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। बनारस से आने के बाद सीताराम सोनी बनारसी के नाम से यहाँ पर फेमस हो गए और वह बनारस का टेस्ट रीवा वासियों को अब दे रहे हैं। बनारस लस्सी और बनारसी पान के अलावा चाट के लिए भी जाना जाता है। बनारस की चाट बेहद मशहूर मानी जाती है और बनारसी अंदाज में सीताराम सोनी मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 30 सालों से लोगों को चाट खिला रहे हैं और लोग यहाँ मिलने वाले चाट को काफी पसंद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शादी पार्टी में भी बनारसी चाट खिलाने के लिए लोगों को पहुंच जाते हैं और बकायदा ऑर्डर भी लेते हैं। लेकिन इनके यहाँ का टेस्ट जो है वो रीवा में सबसे अलग है और अलग अंदाज में यहाँ पर चाट लोगों को खिलाई जाती है। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक टेस्ट देते हैं और उसके अलावा क्या है कि ये अंकल का ऐसा है कि थोड़ा सा फैमिलियर हो गए हैं इनसे। हम लोग डेली यहाँ पे विजिट करते हैं, मैं और मेरा भाई आते जाते रहते हैं। और बेसिकली क्या है कि अंकल के यहाँ साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है, तो हाइजीनिक मैटर में बहुत सही है। उसके अलावा इनका जो अभी खाने वगैरह का बनाने का ढंग है वो थोड़ा सा यूनिक है। जैसे आपको रीवा में इस टाइप की आलू टिक्की नहीं मिलेगी जैसे यहाँ पर टेस्ट आपको मिल रहा है, और हल्का देसी घी वाला टेक्स्चर इनके में आता है। ऐसा लगता है कि मतलब इन्होंने देसी घी का थोड़ा बहुत टच दे के रखा है। ऑल्दो प्राइस पॉइंट इनका 25 रुपीज़ का है, बट ठीक है, उस हिसाब से ये जस्टिफाई करते हैं अपनी चीज़ को कि हाँ ये ठीक ठाक प्राइस पॉइंट में दे रहे हैं, तो ठीक है, मतलब वर्थ इट लगता है मेरे को यहाँ पे आना। और ऑल्दो अंकल है भी बहुत नेचर के बहुत सही आदमी है, बढ़िया फ्री रहते हैं, तो और मेरे हिसाब से 8:30 भीड़ लगी रहती है। क्या वजह है? बेसिकली इनका टेस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूनिक यहाँ पे चल रहा है इस एरिया पे। आप देखोगे तो पहली चीज़ तो हाइजीन मैटर में सबसे सही है। जो मेरे को प्राइस मतलब मेरे को जो वर्थ इट लगता है वो ये है कि इनका हाइजीनिक, तो उसके कारण मैं आता हूँ। और आप देख सकते हो कंटिन्यूसली इनके यहाँ भीड़ लगी ही रहती है, लोग कोई ना कोई आते रहते हैं। तो क्या नाम है आपका? सीताराम सोनी। आपको लोग बनारसी कहते हैं। यहाँ पे आप कितने सालों से चाट की दुकान लगा रहे हैं? कितने रुपए दर से आपने बेचना शुरू किया था? 2 रुपए से। यही इसी जगह? हाँ। कैसा जो है रिस्पांस मिल रहा है, लोग कितना पसंद कर रहे हैं? अरे खूब करते हैं, बिल्कुल पूछता नहीं है। अभी आधे घंटे बाद सब खत्म हो जाएगा। तो आप रीवा के हैं कि बनारस के? बनारस के। बनारस के? हाँ। रीवा कब आएगी? रीवा है 89 में। उसके बाद सीधे चाट की दुकान खोली? वहीं से चालू था, चले आए यहाँ बनारस से। हाँ, यहाँ गुड़ में ससुराल है अपन। अच्छा।